हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचवी व्लॉग्स में। सभी दोस्तों को मेरे जय श्री राम। तो अंकल जी, जॉनी भाई और हम आज फिर से चले एक नया सोलर प्लांट लगाने पंजाब में, तो गदापुर विलेज। हाँ, विलेज है गदापुर। तो हंसना नहीं है दोस्तों, कमेंट जरूर करना, कमेंट तो में गदा गदा लिखना। हाँ, आपको दिखाएंगे, पूरी नॉलेज बताएंगे आपको क्या क्या हो रहा है और हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहे हैं। तो देखिए आगे का सीन दिखाते हैं आपको। ये आ गया टनल, वो सामने गाड़ी जा रही है, ट्रेन। देखिए आप, अगर हल्का सा आपको झलक दिख जाए तो वो ट्रेन। तो दोस्तों अभी पता नहीं कौन सा गांव है, यहाँ से आगे बाईपास, देखिए बाईपास पे पहुंच गए हैं। बाईपास है इधर, हिसार बाईपास। देखिए आगे राजपुरे पहुंचेगा, ये रहा हिसार रोड है ना। हिसार रोड भाई, हिसार चले फिर। चलो जी, चलो जहाँ कह देंगे वहाँ चलाएंगे। पूरा प्रेशर है, उनको भी गोली पाई है 15 मिनट में पहुंचे। तो 10-15 मिनट में पहुंचते हैं वहाँ पे, आपको तो 10-15 मिनट में पहुंच के बताते हैं। आगे बैरिकेडिंग है, दिखाते हैं आपको। जाएंगे अब, एक हैंडल ना बस थोड़ा उस पर टाइट है, पावर में नहीं है ना। नहीं पता लगता दोस्तों, गदापुर ने गदा बना दिया। पहले रोड से निकलना है, दूसरे में यही है ना मोड अंकल। ये देखिए कालू माजरा आंगनवाड़ी प्राइमरी स्कूल, यहाँ को जाना था हमने, उधर चले गए, भूल गए। ध्यान दिया करो ड्राइवर साहब, पक्की बात है। हाँ तो दोस्तों अब आ गए हम ऑफ रोडिंग में टाटा नैनो को लेके। अंकल जी ऑफ रोडिंग करोगे, चलानी है गाड़ी बता दो, ऑफ रोडिंग में आगे टाटा नैनो लगी। नानी नैनो मुझे ले लो, हमारे पास एक 3 पहिया वाली फरारी भी। देखो वीरो, सामने वाला पिंड आ गया, कंजरपुर। कंजरपुर नहीं, संजरपुर। संजरपुर, सॉरी संजरपुर। उसके आगे फिर गदापुरी है ना जी, आगे वाला पिंड है। ठीक है जी, कंजरपुर ना संजरपुर, शुभनुमपुर। अच्छा शुभनुम जी, बिग शुभनुम। अच्छा शुभनुम में फेमस है यार। तो दोस्तों स्वागत है आपका गदापुर में। जी हाँ दोस्तों, गदापुर, सारे समझदार लोग यही हैं। भाई ने बोला था यहीं पे जाना, और यहीं पे जाने के चक्कर में पूरा पंजाब घुमा लाए, अभी भी इनको पता नहीं कहाँ पे जाना है। वो देखिए हमें हिमाचल का परमाणु नजर आ रहा है, वो देखिए, दिख रहा होगा आपको। दोस्तों हवाई जहाज पार कर दिया खेतों के बीच में, और जॉनी जट जी जा रहे हैं हमारे साथ मुआयना करने के लिए, और वहाँ आगे आगे ठेकेदार और बाकी के लोग जा रहे हैं। आज यहीं पे पंप लगाएंगे, मुझे लगता है सनी देओल को बुलाना पड़ेगा ना। क्या ख्याल है आपका? जो आपका ख्याल है, तो ख्याल हमारा है। सनी देओल को बुलाया जाए? यस यस, ठीक है। यहाँ लगाना हमने समर्सिबल में सोलर प्लांट, हमारे साथ होगी गड़बड़। जो लेबर आने वाली थी यहाँ खड्डा मारने के लिए, वो आई नहीं, तो रेत सीमेंट भी हमें ढूंढना पड़ रहा है, और खड्डा भी हमें मारना पड़ रहा है। 4 फुट गहरा मारना है, जो कि 2.5 फुट अभी मार चुका हूँ, और 2 फुट के आसपास भी मारना है। सीमेंट 0-1 क्या रहे हैं, रेत रेत बजरी ये लेके आ रहे हैं और हम खड्डा मार रहे हैं। तो आज लेबर हमें मिली नहीं, हमारी हालत ख़राब होगी। मोटर पे आ गई, तो दोस्तों मसाला बनाने के लिए सारी बजरी कॉन्क्रीट यहाँ इकट्ठा कर लिया है। ये रहे हमारे जॉनी भाई, अंकल जी, और खड्डा भी रेडी है, सामान भी रेडी है। वहाँ 200 मीटर दूर से आ गया सारा सामान, वहाँ खड़ी है अपनी फरारी, रेड फरारी। तो अब शुरू करते हैं इसको घोलना पेलना, सीमेंट आ गया, फिर मसाला बना के फिर दिखाते हैं सेटअप लगाते हुए। ये भी, हाँ ये खड्डा ये भी दिखा देते हैं लगाने के लिए। ये 2.5 फुट है चौड़ा,
जैसे है, और फिर 5 फुट नीचे गड्ढा है जिसमें मसाला भरेगा और पोल गड़ेगा पूरा मजबूती से। तो देखिए अब आगे क्या होता है। हाँ जी उस्ताद जी, कैसा फील हो रहा है? बुरा हाल है जी, गर्मी से। एक तो लेबर नहीं मिली, हालत खराब होगी। यह है मिस्त्री बाबू का हाल, टेक्नीशियन का भी हाल खराब है। ये काम होते हैं, काम चलाओ। हां दोबारा दोस्तों, चल गया है बोर और हो गया है पानी, ये देखिए। पर अभी सेटअप नहीं लगा हुआ है, ये बाहर की सप्लाई पे चल रहा है सारा। इसके बाद हमारी मोटर चलेगी। तो काम हो गया फिनिश। ओके रिपोर्ट। हाँ बोर बंद कर दिया, आप पिलर गड़ना ही गड़ता गड़ दिया। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो हमने, देखिए दोस्तों मसाला वगैरह भर के हमने रेडी कर दिया। ये 5 फुट गहरा है जिसमें मसाला अच्छे से भरा हुआ है। और ये देखिए इधर बोर चल रहा है, बाद में इस पे लगाएंगे हम सोलर। तो आ गए अभी दूसरी साइड पे, दूसरे खेत में, और लंच का टाइम हो गया। बहू जी घर से बैग लेके आए हैं, देखो रोटियां भर के गिलासों में, गिलास कटोरियां सारी कुछ। ये भैया रोटी के प्रोग्राम बंदोबस्त सारे भाई ने किया। जॉनी भाई थक गए, यहाँ काम करना है खेतों के बीच। तो वहाँ पे लगे हैं जॉनी और अंकल जी खड्डे की सेटिंग मारने में, मैं थोड़ी रेस्ट कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं बुक्की, बुक्की चल रही है। और वहाँ ट्रैक्टर खड़ा है माल वाला, जिसमें है रेता सीमेंट और बजरी। ये आगे तसले वगैरह, ये आ गया हमारा पिलर, 6 इंच का पिलर है। GI का है ना, ये GI का होता है स्ट्रक्चर। इसके ऊपर पूरा फ्रेम टिकेगा हमारा। ये पुरानी चक्की लगी हुई है जो कि वहाँ से पानी खींचती थी पटे से। और अब हम इधर का सेटअप दिखाते हैं आपको। इसके लिए ये रहा जी, जॉनी ने मिट्टी निकाल दी, ये रहा खड्डा। तो दोस्तों अभी मसाला बन के तैयार है, एंगल अपनी जगह पे पहुंच गई है, पानी आ रहा है खाल में। इसको खाल कहते हैं, ये देखो पानी आ रहा है, बोर चला हुआ है वहाँ से। तो दोस्तों देखिए खेतों के बीच में से रोड निकाल रखा है, टेम्परेरी रोड बना रखा है अंबाला के लिए जो किसानों ने बनाया था। हम इसी पे चल रहे हैं, देखो हमारे हैवी ड्राइवर चला रहे हैं, अंकल बैठे हैं। और ये क्रॉसिंग के लिए जगह नहीं है, देखो बिल्कुल जगह नहीं है, पूरी पूरी जगह में हम दिखाएंगे आपको। हाँ हाँ ये देखो जी, ये देखो ये कहाँ चल रहे हैं बाबू जी, काट ले साइड में। पूरी पूरी जगह है, धूल मिट्टी से पूरा भर रखा। और आप गेहूं की शक्ल देख रहे हो, ये गेहूं हरी है पर मिट्टी की वजह से अलग ही पीली दिख रही है, गजब का ही हुआ है। पर एक बात है, किसानों ने बीच में से रास्ते दे रखे थी। क्या काम हुआ खत्म, हम चले घर को। 2 पिलर वगैरह हमने लगा दिए, बाकी स्ट्रक्चर कल तैयार करेंगे, वीडियो कल दिखाएंगे। अंकल बड़े खुश है, 4 दिन से परेशान थे, इनका टेक्नीशियन भाग गया, गोली भाग गया था अंकल को। और तो आज हमने कर दिया, कल सेटअप पूरा कर देंगे, आपको दिखाएंगे बाकी का काम। तो बने रहिए HP ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों स्ट्रक्चर हमने तैयार कर दिया, इसके ऊपर पैनल सेट करने, स्ट्रक्चर पूरा तैयार है। पैनल 9 के 9 यहाँ आ चुके हैं और हमने सारे टूल यहाँ पे बिछा दिए हैं। तार आ गई, अभी इसमें थोड़ी नट का होल आउट था, उसको दोबारा करना है, जो है इसका मूवमेंट आउट, उसको एक एडजस्टेबल में करना है, तो वो कर रहे हैं। उसके बाद का दिखाते हैं आपको पैनल लगाते हुए, वीडियो बनाने का आज टाइम नहीं है। तो ये लगा दिया, आज मैं अकेला हूँ, पूरा सेटअप लग चुका है, बस एक पैनल लगाना है ऊपर। 9 पैनल का सेट है और 335 वाट का एक पैनल है, तो टोटल 3 किलोवाट हो गया। 3 किलोवाट का सेट है पूरा, रोटेशन 360 डिग्री का। और वो देखो ट्रैक्टर खड़ा है, वहाँ से पैनल उठा के यहाँ लगा दिए। अरे बाबू जी लोग चाय आ गई, सब चाय पियेंगे उसके बाद लगाएंगे। कैसा लग रहा आज?
बहुत बढ़िया, मौसम बढ़िया है। बढ़िया है ना, अभी काम हो रहा है। यहाँ लगनी हमारी पंप वाली मोटर, ये सारा सिस्टम हट जाएगा जो लगा हुआ है इंजन वाला। यहाँ लगेगी मोटर और ये आ गई थ्री फेस की वायर, वो सीधा वहाँ से सारा सिस्टम हो गया सेटअप। कल धूप, दोपहर में धूप आएगी उस टाइम पूरा सिस्टम चेक करके देखेंगे, चला के देखेंगे, आपको दिखा देता हूँ। वायरिंग इसकी पूरी कर चुका हूँ और ये देखिए कनेक्शन कर चुका हूँ इसकी। ये देखिए दोस्तों, ये डीसी की है, ये एसी की है और ये अपना थ्री फेस की जो सप्लाई ये निकाल रहा है सिस्टम उसकी है। तो अभी मिलते हैं कल, कल इसको टेस्टिंग करके दिखाएंगे। और ये लगी हमने 9 पैनल की सप्लाई हमारी सिस्टम 16। तो अभी छुट्टी का टाइम हो गया है, खेतों का मौसम देखिए कितना अच्छा है, एक नंबर, बहुत ही अच्छा हो रखा है। आज मैं अकेले था क्योंकि आज जॉनी भी नहीं आया, तो हमने अकेले ने लगा दिया। ठीक है जी, और भाई चले, ठीक है।